अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो यहाँ पे अभी बजे हैं 12। हम लोग गए थे बाहर और हमने सोचा कि बाहर से नाश्ता किया जाए, लेकिन नाश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सिर्फ हमें परांठे मिले तो हमने वही ले लिए। तो अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ लोबिया कीमा, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने लिया है कीमा आधा किलो और उसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक मिर्च। ये मैंने डाली है लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसको मैं रख दूंगी गलने के लिए। और इसमें पानी भी हम उसी हिसाब से ऐड करेंगे कि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए और जो उसमें से स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसमें डाला था एक दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक टमाटर और साथ ही ऑयल और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। तो ये डाल के इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है पेस्ट और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ पे कीमा आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से भून गया, टमाटर भी गल गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया था। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लोबिया, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो लोबिया डाल के इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी गलने के लिए। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल दी थी और साथ साथ मैं लोबिया चेक भी कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको टाइम लगा था गलने में, तो मैं पानी ऐड करती रही थी थोड़ा थोड़ा साथ साथ। तो यहाँ पे अब लोबिया अच्छी तरह से पक चुका है, गल भी गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया धनिया और हमारा मज़ेदार सा लोबिया रेडी हो गया। और मैंने इसको ड्राई सा रखा था, मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं रखा इसका, इसको ड्राई बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई पसंद है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर सी साइड पर क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था बाहर जाने का, तो मैं बच्चों को ले आई हूँ बाहर। और यहाँ पे हम लोग आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो रश भी उसी हिसाब से लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ तकरीबन पहुँचे हैं रात के 11 बजे और झूलों पे भी उसी हिसाब से रश था। और खाना तो मैंने बना लिया था पर मैंने कुछ खाया नहीं था, तो ये मेरी अम्मी लेके आई हैं साथ बना के पकोड़े, सैंडविच और ये जो मैंने बनाया था लोबिया। तो मैं खाने लगी हूँ खाना क्योंकि भूख बहुत सख्त लग गई थी। और इस टाइम यहाँ पे रात के बज रहे हैं 2 और रश आप देख सकते हैं कि कितना है। बच्चे अपने खेलने में मगन हैं और बड़े अपने में, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे थे वेदर की वजह से। पर इस हिसाब से अभी यहाँ पे सी में कोई नहा नहीं सकता क्योंकि हवा ठंडी हो गई है, तो इसीलिए सब आके बैठे हुए थे, बस कोई नहा नहीं रहा था। और अब रात के 3 बज गए हैं और हम लोग जाने लगे हैं वापस घर क्योंकि सब लोग थक गए थे। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें, अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।